गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के धार जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंगारे के नेतृत्व में आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने की मांग की। इस दौरान तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार धामनोद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये हितग्राहियों को दिए जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में करीब 2,50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान समय में आवास निर्माण की राशि अधिक आ रही है, ऐसी स्थिति में गरीब हितग्राही आवास निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, 2,50,000 रुपये की राशि दी जाए। उन्होंने कहा कि कई हितग्राही तो कर्ज लेकर आवास पूर्ण करवा रहे हैं, कई हितग्राहियों के आवास अधूरे पड़े हैं, सरकार कर्ज की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा करवाए और प्रधानमंत्री आवास की राशि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में समान 2,50,000 रुपए करें, शौचालय निर्माण की राशि 12,000 रुपए से लेकर बढ़ाकर 50,000 रुपए की जाए। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। आपका नाम? मोहन ओसारी। आज क्यों एकत्रित हुए? प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं और जो प्रधानमंत्री आवास में भेदभावपूर्ण तरीके से राशि वितरण की जा रही है उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि ग्रामीण और शहरी की दोनों राशि एक दिशा में दी जाए, हमारा यही प्रधानमंत्री से जी से आग्रह है। अभी कितनी राशि मिल रही है फिलहाल ग्रामीणों को? अभी राशि लगभग 1,20,000 और 15,000 मजदूरी मिलाकर 1,35,000 रुपये की समथिंग मिल रही है और हमारी प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, हमारा निवेदन है कि यह राशि बढ़ाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को दोनों को बराबर मिलाकर दोनों को 2,50,000 की समथिंग। अनिल सिंगारे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, धार जिला उपाध्यक्ष और जेएस का सामाजिक कार्यकर्ता। आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए? आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारा यहाँ तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में हम लोगों की जो मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना जो आवंटित की जाती है वो 1,20,000 रुपये दी जाती है और मजदूरी मिलाकर कम से कम 1,35,000 रुपये दी जाती है, जिसमें ग्रामीणों का भरपाया नहीं हो पाता है। और वहीं तरफ देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में 2,50,000 रुपये राशि शहर में दी जाती है, तो ये भेदभाव क्यों? हम चाहते हैं कि ग्रामीण और शहरों को बराबर का हक मिले और सबको बराबरी का अधिकार मिले, ऊंच नीच जात पात ना हो, ग्रामीण और शहरों के लोगों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। वो राशि बढ़ाकर उनको भी 2 से 2.5 लाख रुपये ग्रामीणों को भी मिले और शौचालय का मैं कहना चाहूँगा 12,000 की जो राशि मिलती है शौचालय 12,000 में नहीं बनता है, शौचालय भी 12,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये दी जाए और इसी पे थोड़ा शासन प्रशासन थोड़ा जोर दे, क्योंकि ग्रामीण अंचल में रहने वाले ऐसे कई समुदाय हैं जहाँ पे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। अभी भी ऐसे कई लोग बेचारे जो ग्रामीणों में रह रहे हैं जो आज तक उनका घर नहीं बना है, आवास योजना नहीं मिली और आवास योजना मिल रही है तो 1,20,000 रुपये मिलती है, जिसमें वो ठीक तरीके से उनका घर नहीं बना पाते हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि वो ग्रामीण और शहरों को बराबरी का हक अधिकार दे और उनकी योजनाओं का लाभ बराबर मिले, जिसमें वो अच्छे से उनका घर बना सके, बस यही हमारी मांग है। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।